उच्च सूचना दी जा रही है कि जो भी वीडियो को देख रहा है बिना लाइक करे वीडियो को ना जाए और चैनल को सब्सक्राइब करे तो बिना जाए ना। और दोस्तों मोबाइल की कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वीडियो के बीच बीच में हल्का हल्का सा ग्लिच है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो आपका प्रिय मित्र विनोद दुनियादारी जनहित में जारी बाकी सारी फारी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड सीरीज ऑफ माइनक्राफ्ट। दोस्तों ये माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज, दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ मुझे अच्छी जगह पे स्पॉन किया गया दोस्तों, अभी मैं यहाँ मुझे हर के मतलब हमें किसी भी जगह पे स्पॉन कर दिया गया। आप देखते हैं दोस्तों यहीं से हमें सर्वाइव करना है, एंडर ड्रैगन से लड़ना है दोस्तों। बहुत बहुत मजा आने वाला है सीरीज में। तो देख लेता हूँ राइट साइड मुझे दोस्तों कुछ भी नहीं दिख रहा और दिख गया दोस्तों सामने कितना प्यारा विलेज। मतलब माइनक्राफ्ट का शुक्रिया था कि हमें इतनी अच्छी जगह पर माइनक्राफ्ट ने स्पॉन किया है दोस्तों। वाह यार सामने हमें विलेज मिल गया, मुझे चाहता था दोस्तों मैं विलेज के पास घर बनाओ क्योंकि दोस्तों जो हमें नहीं हमारे पास सामान होगा हम इनसे लेके आएंगे और दोस्तों उसी के साथ इन लोगों से हम सामान तो लेंगे लेकिन दोस्तों ये रहेंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा दोस्तों। इतने सारे घर हैं यहाँ पे तो, ओ लाइट वाह यार, मतलब कि मैं स्पॉन भी अच्छी जगह किया गया, हमको लाइट भी मिल गई है। हाँ तो दोस्तों बोल रहा था अब दोस्तों हमको यहाँ पे घर बनाना है, तो हम जैसे पहले एपिसोड में इतना कुछ कर नहीं पाएंगे, छोटा मोटा घर बनाते हैं हमारा, उसमें भी हम सर्वाइव करेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड लेंगे। तो दोस्तों अभी मैं देखता हूँ मैं कहाँ पर अपना घर बनाऊँ दोस्तों, पहले मुझे जगह देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए पहले हम यहाँ बनाते हैं दोस्तों हमारा एक अंडरग्राउंड घर हल्का सा, जहाँ दोस्तों ये पहाड़ी हल्की सी पहाड़ी इसके नीचे हमारा घर होगा दोस्तों अभी के लिए रेस्ट हाउस। 5 minutes later तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैं खोदते खोदते मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं, थोड़ा सा अंदर आया बिल्कुल, आप लोग देखने में खोद दूँ मैं थोड़ा ये इसको बना दूँ मतलब जगह को मैं थोड़ा फैला दूँ, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ कितनी जगह पे। दोस्तों पहले इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बेड भी रखा है, फर्नस वगैरह भी हम यहीं पर रखने वाले हैं क्योंकि दोस्तों फर्नस जो खाना पका के खा सकते हैं अच्छे से हेल्थ बढ़ेगी। और दोस्तों हमने अभी अब तक कुछ हमने किया नहीं दोस्तों, अब देख सकते हैं आप ये लगा देते हैं एक यहाँ पर, एक लगा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इतना कुछ होगा, रुको 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 एक सेकंड, यहाँ भी लगाना पड़ेगा कि दोस्तों मतलब छोटा बने बना रहे पर दोस्तों अच्छा लगना चाहिए, बाहर से हमारा घर अभी बने थोड़ी मतलब लेकिन हमारा एक एपिसोड के लिए पर घर बेस्ट होना चाहिए दोस्तों कि लगना चाहिए। गांव वालों को ही हीरो इधर रहना है दोस्तों, बेटा सुन लो सब गाँव वाले आज से तुम्हारा बॉस इधर आ चुका है तो सलाम ठोका करो दिन रात। तो दोस्तों अभी हमने गाँव वालों को समझा दिया है कि गाँव वाले हम तुम्हारे राजा है तो राजा को थोड़ा सपोर्ट करो घर वर बनाने में। तो इसे मैं तोड़ता हूँ दोस्तों, इधर प्लेन भी करनी पड़ी। 2000 years later तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैं जगह बना दी, बहुत देर से मतलब कि मैं बहुत देर से तीन बकरियों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक भी बकरियाँ नहीं मिली है क्योंकि दोस्तों जो उनका वूल रहेगा दोस्तों उससे हम हमारा बेड बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत देर हो चुकी है, मैं इतनी देर से इधर बस मतलब बकरियाँ नहीं है, मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता दोस्तों, ना मेरा भी रिस्क पॉइंट सेट है कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर तो कतई नहीं जाऊँगा दोस्तों। अभी हम यहीं से एक दो बेड चुरा लेंगे, एक बेड चाहिए हम यहीं से हम चुरा लेंगे वरना अभी हम उनके घर में सो जाएंगे। अगली रात देखते हैं दोस्तों हमें बकरियाँ मिलती है कि नहीं मिलती। तो दोस्तों रात हो चुकी है, एंडर ड्रैगन वगैरह एंडर ड्रैगन नहीं वो काला क्या क्या रहता है मुझे खुद नहीं पता दोस्तों अभी तक उसे। तो दोस्तों हमें अभी तक एक भी घर मतलब बेड नहीं मिला, तो दोस्तों मैं बेड ढूंढता हूँ इधर अंदर, चल भैया अंदर चल अंदर चल अंदर चल। इतना आलीशान घर है पर दोस्तों ये लाइब्रेरियन का घर है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे बेड नहीं है दोस्तों, सोच सकते हो लाइब्रेरियन के घर पे गेट बेड नहीं है। तो मैं देखता हूँ दूसरे को इसे घर में बेड देखता हूँ भाई लोग, रात इतनी हो रही है दोस्तों यहाँ पे जोम मोब्स वगैरह इतने स्पॉन हो रहा है दोस्तों सामने आप लोग देख सकते हो। अरे स्मूथ स्टोन है ना, हाँ स्मूथ स्टोन ही है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था इधर भी बेड नहीं है दोस्तों, ये फर्नस है दोस्तों ये, तो दोस्तों ये फर्नस है। अबे भैया मेरे को सबसे पहले बेड चाहिए, मुझे फर्नस मिल रहा है ये मिल रहा वो मिल रहा बस मुझे दोस्तों शिट यार मैं नहीं चाहता दोस्तों जल्दी मुझे, ओ माय गॉड भैया दूसरा घर ढूंढो। दो घर में ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तीसरे घर में देखते हैं, आई होप कि उसमें मुझे मिल जाए बेड। ये मैं उसी घर में आ गया लाइब्रेरियन के घर में वापस, शिट यार बाहर जाना पड़ेगा वापस ढूंढो शिट शिट शिट। मैं पूरी रात ऐसे नहीं करना चाहता, फटाके सो के अगले दिन हम वापस शुरू करेंगे। तो मैं देखता हूँ दोस्तों हम अगले दिन वापस शुरू करेंगे, माइनिंग वगैरह करेंगे, हमारे स्टोन के हथियार बनाएंगे, उसके बाद आयरन गोल्ड डायमंड। ओह भैया मिल गया मिल गया मिल गया, पहले मैं गेट लगाता हूँ। तो भैया पहले उड़ जाओ, पहले तुम उड़ जाओ हमें सोने दो। हमने ब्लेजर को उठा दिया, ब्लेजर बहुत गुस्से में उसके उधर से आग निकल रही है उसके सिर में से। तो भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया रात भर जागने के लिए मेरी वजह से, और हमेशा ऐसे ही जागते रहने जब जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरा काम करना। तो इससे हम ट्रेड करके देखते इसके पास कुछ भी नहीं है, हैं सुन लिया बेटा ब्लेजर ये प्लेजर ब्लेजर तुम जो भी हो ना सबको काट फेंक दूंगा अगर मेरी बात नहीं सुनी किसी ने। तो चल तू निकल तो पहले फुर्सत से इधर से, अब हमारे घर चलते हैं अभी हम जो हमने छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बनाया जिसमें अभी तक बेड नहीं है दोस्तों। तो पहले मैं देखता हूँ यार दोस्तों पहले हम चलते हैं हमारे घर तरफ,
हमने घर में कितना कुछ किया है दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैं करने वाला हूँ दोस्तों माइनिंग, लाइट लगा देते हैं बस दोस्तों। अब मैं लाने वाला हूँ दोस्तों पेड़ काट के लाने वाला हूँ। अब मैं पेड़ काट लूँ दोस्तों 2 मिनट, एक दो पेड़ मुझे काटने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये वाला नहीं काटूँगा मैं दोस्तों। इनको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होना है विलेजर्स को, क्योंकि जब भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं दोस्तों विलेज छोड़ के चले जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं इधर के एक पेड़ काटूंगा और दोस्तों मैं उनके मतलब कुछ भी सामान चुराऊंगा नहीं दोस्तों, लाइट वगैरह कुछ भी। बस दोस्तों एक बात है, मैं उनका बेड छुरा सकता हूँ अभी के लिए, और दोस्तों कभी बाद में मेरे को 3 शिफ्ट मिल गए तो अपना खुद बेड बना के मैं उनको उनका बेड दे के आऊँगा दोस्तों। तो मैं पहले मेरा बेड बनाता हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने पेड़ वगैरह काट लिए हैं। अब दोस्तों हमें ये हमने दोस्तों हमें एक दो झाड़ी मिली थी पेड़ से, हमने तो लगा देते। तो पेड़ बनाने का दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि हमने दोस्तों क्या क्या सामान बनाए थे। हमने दोस्तों दो एक्स बना ली थी, दो पिक एक्स बना ली थी दोस्तों। इससे बहुत अच्छी से दोस्तों काम होता है, मतलब जो हम जो जल्दी काम कर सकते हैं इन चीज़ से दोस्तों। जैसे हमारी लकड़ियाँ तेज कटेंगी इससे, और दोस्तों हम स्टोन ज़्यादा तेज काट सकते हो दोस्तों। हम स्टोन पिकेक्स के अलावा हाथ से हम लकड़ियाँ तोड़ते हैं, तो हमारे पास हाथ से आ जाती है। हम कभी हाथ से तोड़ते हैं तो दोस्तों हम पिकेक्स से ही तोड़ सकते हैं स्टोन को, बिना पिकेक्स से वो हमारे पास नहीं आएंगे। और दोस्तों एक मुझे मिल गई सामने बकरी, इतनी देर से मैं जब तुझे ढूंढ रहा था। मर तू मर 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 पूरी मर एक, और ये कहाँ गई रुझे, एक और पड़ी है तेज में, ये ले लो दोस्तों। 2 महीने पड़ गई, वाह यार दोस्तों 2 महीने पड़ गई यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। much later. तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैं इधर आ चुका हूँ। अब हमको कितनी हमारे पास लकड़ियाँ भी दोस्तों हो चुकी है 8-10, और दोस्तों अब मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों इन लकड़ियों का कोल लकड़ियों का कोल बनाने वाले। पहले दोस्तों मैं इधर से माइनिंग करता हूँ, हमें चाहिए दोस्तों स्टोन, तभी हम बना सकते हैं फर्नेस दोस्तों। हमें फर्नेस भी बनाना अभी, तो हमें पहले दोस्तों उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। हम बाहर देख के आते हैं हम स्टोन मिलते हैं कि नहीं, तो ये बाहर चलते हैं देख के आते हैं दोस्तों स्टोन कहाँ पर है। दोस्तों मुझे लग नहीं रहा है इतनी आसानी से स्टोन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे स्टोन जनरेटर भी बनाना पड़ेगा आगे जाके जनरेटर। तो दोस्तों मैं काम करूँ ना, मेरे घर को मैं बड़ा क्यों ना कर दूँ एक एक ब्लॉक करके। कभी मैंने दोस्तों को एक एक ब्लॉक तोड़ा तो मेरा फर्नेस तो आराम से बन जाएगा दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे ही कुछ किया जाए। मैं इन पत्थरों को तोड़ने वाला हूँ दोस्तों। मैं अपने घर के पत्थरों को तोड़ने वाला हूँ। हाँ दोस्तों मैंने इस चीज़ को दोस्तों मैं दूसरा घर जब मैं बना लूँगा तो दोस्तों मैं यहाँ एक चेस्ट रखने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों हम यहाँ से ही नीचे जाके माइनिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों गुफा में जाके माइनिंग करना यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि दोस्तों ये माइनिंग हमें कोई भी दिक्कत उठानी पड़े, मैं बार बार मरना नहीं चाहता दोस्तों इसलिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि यहीं से नीचे माइनिंग करता हुआ जाऊँगा, हमें उससे स्टोन भी लेंगे दोस्तों। स्टोन की भी यहाँ बहुत ज़रूरत है, तभी हमको कुछ काम हो पाएगा दोस्तों। वरना स्टोन नहीं रहेंगे तो दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो स्टोन मुझे बहुत ज़रूरी है, नीचे हम जैसे खोदते हुए जाएंगे हमको मिलेंगे आयरन, कोल, डायमंड, तो सब मिल सकते हैं अभी हमको, लेकिन डायमंड इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। आयरन और कोल के हम कह सकते हैं कि दोस्तों मिल सकते हैं, पर डायमंड हमें इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। तो पहले मैं इधर उसको जगह को बड़ा करता हूँ दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म को, कि हमारा घर थोड़ा अच्छा लगे दोस्तों दिखने में। भले दोस्तों हम 1 से 2 दिन के लिए रख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट दोस्तों हमारा पूरा घर तैयार हो चुका है। पूरा तो नहीं कह सकते, पर दोस्तों हमने इसको बड़ा भी कर लिया और फर्नेस भी एक बना लिया है। इसमें हमने कोल नहीं रखा, रुक जाओ। हाँ तो दोस्तों ये थोड़ी देर में हो जाएगा, कोल बनना शुरू हो जाएगा मतलब थोड़ी देर में, और हमारे पास लाइटिंग की भी कमी ना होगी दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने कितना अच्छा जुगाड़ ढूंढा, जब माइनक्राफ्ट में हमको कोल ढूंढना इतना मुश्किल होता है, हमने 2 मिनट में कोल ढूंढ लिया दोस्तों। कोल ढूंढना है मतलब हमने हमारे लिए कोल बना लिया है। वो भैया मेरी इसमें गलती से लग गई, मुझे ऐसा नहीं कि वो उसका नाम क्या, वो जानवर भूल गया उसका नाम, अपना लोहे का वो क्या रहता है, आयरन गोलम दोस्तों, आयरन गोलम। ऐसा नहीं कि मैं मारने लग जाए, हमने इसको मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों मैं बेड तोड़ने वाला हूँ, तो भैया माफ़ करना, ये जी जिसका ही बेड है माफ़ करना, कल वापस ला दूँगा, आज के लिए मैं इस बेड को ले जाऊँगा। तो सुन लो रे जो जो विलेजर इधर है, हम बहुत खतरनाक इंसान है इधर के, हमसे पंगा लोगे तो हम काट के फेंक देंगे, हमसे पिलोगे घंटों ही लोगे, हम पीरो हैं इस गेम में बहुत, इसलिए ना हमसे पंगा मत लेना। तभी दोस्तों मैं सोने वाला हूँ क्योंकि रात होने लगी है। हाँ दोस्तों शायद रात ही होने लगी है, एक तो दोस्तों इधर हर कभी छाँव आ जाती है, एक धूप आ जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता, तो इसलिए फर्नेस में। और दोस्तों लाइटिंग में हमारा कोल भी बनना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो ये हमारा कोल पूरा तैयार हो चुका है, तो हम इसको निकाल लेते हैं अभी के लिए। हमने इतना कुछ कर लिया दोस्तों पहले ही एपिसोड में, मुझे लगा नहीं था कि हम इतना, मेरे को पैसा लग रहा था पहले ही सो जाते हैं अभी दोस्तों। मुझे लगा था मैं पहले एपिसोड में सिर्फ गाँव ही ढूंढता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद चाहता था दोस्तों गाँव के पास मेरा घर रहे। और दोस्तों शुक्रिया अदा है उस हमारा मतलब कि हमको माइनक्राफ्ट ने इतने अच्छे जगह पे स्पॉन किया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना, तुम तीनों सुन लो, तुम तीनों मेरा राइट हैंड हो, और जो भी इधर कुछ भी करेगा तो तुम तीनों को बताऊंगा उसको काट के फेंकना सीधे ना। तो दोस्तों मैंने इन लोगों को समझा दिया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद तो होगी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक मार देना, और दोस्तों
मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों इधर देख लो, इधर देख लो, विलेजर भैया सो रहे हैं तो इनके सोने देते हैं।